बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वो जो उससे बात करने के लिए बेताब हो रही थी, रुहेल की यूं नज़रअंदाज करने पर बुरी तरह सुलग के रह गई। हो ना हो, लड़के तो अब लड़के, अब लड़कियां भी घूरने पर उतर आई हैं। रुहेल ने नागवारी से दिल में सोचा और अपने मतलूबा वार्ड की तरफ बढ़ गया। आज उसकी यूनि से छुट्टी थी, इसलिए उसने देर तक सोने का इरादा बनाया। हुआ था सुबह के 11 बजे तो उसकी आँख शगुफ्ता बेगम की आवाज़ पर खुली। उसने आँखों को मसला और उठकर वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर नीले रंग का फ्राक जेब तंग किया और नाश्ता लेकर दोनों पाँव सोफे पर ऊपर रखकर भाप उड़ाती चाय के सिप लेने लगी। अजीम साहब अपने काम पे चले गए थे, शगुफ्ता बेगम अपने किसी रिश्तेदार की इयादत के लिए गई हुई थी, रुहेल भी चला गया था। सिर्फ वही ही घर पर अकेली बैठी हुई थी। उसने चाय का कप ख़त्म करके साइड टेबल पर रखा और किचन में आकर मुलाजमा के साथ दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। किचन से फारिग होकर उसने दम बिरयानी को पैक किया और रूम में आकर अपना हुलिया सही किया। फिर कंधों पर सियाह शाल लपेट कर मुलाजमा को घर की देखभाल की हिदायत देकर कार में बैठी और ड्राइवर को मतलूब जगह बताकर उसने रुहेल को कॉल मिलाई। अस्सलामुअलैकुम। कॉल मिलते ही रुहेल की खुशगवार आवाज़ आई। लगता है आज ऑपरेशन कामयाब हो गया है जनाब का, मरहा ने भी भले मूड से पूछा। हाँ वो तो है, तुम सुनाओ कैसे फ़ोन किया, रुहेल ने मसरूफ से अंदाज में पूछा। हाँ वो तुम फ्री हो ना इस टाइम, मरहा ने खुश दिली से पूछा। हाँ फ्री हूँ, क्यों? बस बताती हूँ बाद में, मरहा ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। गाड़ी से उतर कर उसने चेहरे को दुपट्टे से छुपा लिया। रुहेल के कैबिन के पास पहुँच कर उसने दरवाज़ा नॉक किया। यस की आवाज़ पर वो अंदर चली गई। वो जो अभी फाइल से फ्री हुआ था, मरहा को देखकर खुशगवार हैरत से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। तुम यहाँ और ये क्या है? रुहेल ने मरहा के हाथ में पकड़े डब्बे की तरफ इशारा किया। दम बिरयानी है तुम्हारे लिए बनाई है, इसलिए तुम्हें देने आ गई। मरहा ने बिरयानी रुहेल को पकड़वाई। थैंक्स यार, रुहेल खुशी से चहक कर बोला। मरहा ने मुस्कुराकर सर झटका। बिरयानी बहुत ही मज़े की है सच में यार, रुहेल ने बिरयानी ख़त्म करते हुए कहा। अच्छा चलो, अभी मेरा काम ख़त्म हो गया है, साथ में घर चलते हैं। रुहेल उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मरहा ने इस बात में गर्दन हिलाई। वो बैग उठाकर उठ खड़ी हुई, वो साथ में ही रूम से निकले। मरहा ने बाहर निकलते हुए फिर से मुंह पे दुपट्टा दे दिया। ओ शीट, फ़ोन भूल गया मैं, तुम चलो मैं लेकर आता हूँ, रुहेल कहता हुआ रूम की तरफ तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। वो सर झटक कर मुड़ी तो किसी के शाने से उसका माथा ज़ोर से टकराया। टक्कर इतनी शदीद थी कि उसके चेहरे से दुपट्टा छूट गया। वो हाथ सर पर रखे आंखें मीची अपना सर सहला के रह गई। क्या मसला है, दिन में भी नज़र नहीं आता? हो ना हो जानबूझकर ही टकराए हो गए, आप जैसे लोगों का काम ही यही होता है, कोई हसीन लड़की देखी वहीं पर आपकी लिफंगी और छिछोरी हरकतें शुरू हो जाती हैं। हो ना हो बदतमीज़ इंसान, मरहा का दिल कर रहा था कि सामने खड़े उस शख्स का सर फाड़ दे, लेकिन वो था कि उसकी आंखों से नज़र ही नहीं हटा पाया। मरहा ने गुस्से से उसकी आंखों से सामने हाथ हिलाया। ओ हेलो, अब क्या अंधे के साथ बैरे भी हो? मरहा ने दांत पर दांत जमा कर कहा। हाँ नहीं सॉरी, एक्चुअली मेरी गलती थी, आई एम सो सॉरी, अरीश ने झट से बात संभाली। वो सिर्फ हो ना कहकर पेट पटक कर वहां से चल दी और वो बस उस लड़की को देखता रह गया। अरे रुहेल तुम, अरीश ने रुहेल को सामने आते देखा तो खुशगवार हैरत से उसके पास चला आया। अरीश तुम यहां मेरे क्लिनिक में, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार, रुहेल उसके गले मिलते हुए खुशी और हैरत से मिले जुले तासुरात से बोला। तुम कब आए इंग्लैंड से? रुहेल इसके साथ चलते हुए पूछने लगा। बस कल ही आया हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारे क्लिनिक का बोर्ड पड़ा, बाहर से तो तुमसे मिलने चला आया। अरीश भी खुशी से उसे बताने लगा। यार कॉलेज के बाद से तो तुम अचानक ही गायब हो गए हो, रुहेल ने शिकवा नज़रों से अरीश को घूरा। बस यार यूं ही, वेल तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई यार। वो दोनों कार के पास आए तो मरहा की नज़र रुहेल के साथ उस लड़के पर पड़ गई जिसके साथ उसका ज़बरदस्त टक्कर हुआ था। उसकी आँखें हैरत से फैल गई। ये रुहेल इस लड़के के साथ लग तो ऐसे रहा है जैसे इसको जानता हो, मरहा आंखें छोटी करके देखने लगी। हाय अल्लाह, कहीं ये लड़का मेरी शिकायत तो नहीं कर रहा ना, उफ क्या ज़रूरत थी इसके साथ इतनी ज़बान चलाने की। वो बड़बड़ा के कार की सीट से ज़रा नीचे हो गई जिससे उन दोनों की नज़र से वो ओझल हो गई। रुहेल कार में बैठा तो मरहा को इस हालत में देख कर हैरान हुआ। ये तुम ऐसे क्यों बैठी हो? वो मैं मोबाइल उठा रही थी, गिर गया था ना, मरहा ने खुद को बचाते हुए कहा। गाड़ी आगे बढ़ी तो मरहा ने रुकी हुई सांस बहाल हुई। रात के खाने के लिए सब खामोशी से खाना खा रहे थे जब भी शगुफ्ता बेगम ने मरहा को पुकारा। वो जो खाने के साथ इंसाफ कर रही थी, शगुफ्ता बेगम ने
की आवाज़ पर चौंक कर उन्हें देखने लगी। जी, शहनाज के बेटे की शादी है, हम सबको इनवाइट किया है। तुम्हारे अब्बा तो नहीं चल सकते, तुम, मैं और रोहेल को चलना है परसों उनकी शादी में। शगुफ्ता बेगम ने अपनी बात पूरी होने पर उसकी तरफ देखा। अम्मा, मुझसे नहीं अटेंड की जाती ये शादी, आप और रोहेल चले जाएं। मरहा ने आजिज आते हुए वजह बताई। नहीं, इस बार तुम्हारी कोई नहीं चलेगी, समझी, उन्होंने सख्ती से मरहा को कहा। मरहा ने खामोश रहने में ही आफियत समझी। और तुम रोहेल? शगुफ्ता बेगम अब रोहेल की तरफ मुतवज्जा हुई। जी अम्मा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बस आप टाइम बता दीजिएगा। मरहा ने खूनखार नजरों से रोहेल को घूरा। रोहेल ने बेबसी से शाने अचकाए। नहीं अम्मा, मैं इतना काम वाला सूट कैसे संभालूंगी? उफ अम्मा, मुझसे नहा होगा। मरहा ने एक सूट को हाथ में लेकर देखा, फिर कोफ से वापस रख दिया। बड़ी मुश्किल से उसको एक सफ़ेद रंग का सूट पसंद आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है, मेरी बच्ची को नज़रबद से बचाए। शगुफ्ता बेगम ने मरहा की बलाएँ लेते हुए उसकी पेशानी चूमी। मरहा हंसने लगी। चले अम्मा, रोहेल वाइट सलवार कमीज पहने तैयार खड़ा था। शादी की तैयारी अरूज पर की हुई थी, पूरा हॉल रोशनी और फूलों से भरा हुआ था। हर तरफ लोग हाथों में गिलास थामे खुश कपियों में मसरूफ थे। हर तरफ हंसी सर घोशियाँ गहकी और मजाक का माहौल लगा हुआ था। कार को पार करते हुए रोहेल तो फ़ोन पर लग गया, अलबत्ता मरहा का इतनी रश देखकर सर घूमने लगा। शगुफ्ता बेगम तो शहनाज बेगम के साथ मसरूफ हो गई। मरहा भी एक टेबल पर बैठ गई और मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने लगी, फिर आते जाते लोगों को देखने लगी। वो जो फूलों की टोकरी हाथों में उठाए, कंधे और कान के बीच मोबाइल रख के किसी से तेज़ तेज़ बात करने में मसरूफ था। कुर्सी से टक्कर लगने से फूलों की टोकरी से गुलाब की पत्तियां गिरने पर शदीद कोफ से उसने फूलों की भरी टोकरी पास से गुजरते एक काम वाले लड़के को पकड़वा दी। मोबाइल बंद करके उसने जेब में रख दिया और बाहर की जानिब बढ़ने लगा। यूं ही एक नज़र उसकी सामने सेल्फी लेती हुई लड़की पर पड़ गई। क्योंकि आपको मेरी ये कहानी चांद मेरा हम सफ़र का दूसरा हिस्सा भी पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल रिया कहानी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।